नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेन देन न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों आज हैं हमारे साथ में थोक फल सब्जी मंडी के अध्यक्ष निरंजन जी मंडावत। तो इनसे हम चर्चा करेंगे कि आज पूरे देश में जो प्याज को लेके हाहाकार मचा हुआ है, सियासत हो रही है, तो कोटा में क्या स्थिति है प्याज को लेकर के। पर इसके पहले हम आपको बता दें कि कोटा में इतना महंगा नहीं है जितना प्याज पूरे देश में उसको कीमत को लेकर के लोग चर्चा कर रहे हैं या ग्रहणियों का बजट बिगड़ने की बात कर रहे हैं। तो प्याज की दाम बढ़ने की तह तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम जानते हैं निरंजन जी से कि प्याज की कोटा में क्या स्थिति है। हाँ निरंजन जी, जरा बताएं। कोटा थोक पर सब्जी मंडी के अंदर लगातार प्याज की आवक बनी हुई है, लेकिन लंबी बरसात चलने के कारण प्याज 60% से और 70% तक बेकार हो चुका था। जो 30% और 40% जो प्याज खेतों में बचा हुआ है वो यहाँ पर गीली प्याज आ रही है। ये अपने कोटा के पास जिला जला हुआ है और समीप मध्य प्रदेश का प्याज भी कोटा मंडी के अंदर आ रहा है। कोटा के अंदर लगभग 6 ट्रक के आसपास की खपत होती है, लेकिन अभी वर्तमान में 2 से 3 ट्रक के लगभग माल आ रहा है और ये आसपास का जो हमारे बताया ना जिला झालावाड़ से माल आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है। और अभी अभी यहाँ भी भाव थोड़े तेज हुए हैं, इसके पहले बहुत कम भाव थे। आज भी कोटा मंडी के अंदर प्याज यही बिक रहा है 70 रुपये, 75 रुपये, 80 रुपये, 60 रुपये तक का। तो जो अभी इतना महंगा प्याज बिक रहा है तो इसकी कीमत क्या वास्तव में किसान को मिल रही है या बीच में कोई मीडिएटर है जिसको फायदा मिल रहा है? किसको फायदा हो रहा है इतना महंगा प्याज बिक रहा है? नहीं, जो भी अभी प्याज आ रही है कोटा के अंदर जो सीधे किसान ही यहाँ पर लेके आते हैं और जो प्याज बिक रही है इसका भाव सीधा सीधा किसानों को मिलता है। मीडिएटर तो क्या है कि अपना कुछ 1 रुपये किलो, 2 रुपये किलो का जो मुनाफा होता है वही कमाता है, बाकी सारा पैसा किसान होता है। तो यहाँ पर नए प्याज की आवक कब तक संभावना है और कब तक भाव ऊंचे बने रहेंगे, कब भाव नीचे आने की संभावना क्या लग रहा है? अभी तो 20 दिसंबर तक तो भाव यही रहेंगे, 20 दिसंबर के बाद प्याज की आवक बढ़ेगी और भाव काफ़ी कम होंगे। तो औसतन सीजन में कितना, मेरे ख्याल से 5 या 10 रुपये किलो आराम से प्याज मिल जाता है और ज़्यादा भी हो तो 20 रुपये किलो मिल जाए जी। लेकिन अब जो इस बार पैदावार है, अगर अच्छी पैदावार आती है तो के प्याज के भाव वापस कितने रुपए तक आ सकते हैं नीचे? 20 दिसंबर के बाद प्याज के भाव काफ़ी कम होंगे, क्योंकि जो बाद की जो किसानों ने जो फसल लगाई है वो 15 दिसंबर के बाद आना शुरू होगा। जो पहले भाव बिकते थे यही 10 रुपये से लेके और 20 रुपये किलो तक प्याज हो जाएगी, ये शायद जनवरी से हो जाएगा। ये जनवरी में नई फसल की आवक होने वाली है। तो लोकल प्याज जो आती है वो अपने कहाँ कहाँ से आती है? ये अपने जिला झालावाड़ है, भवानी मंडी है, इकलेरा है, अपने इधर नीमच है, इधर रामपुरा है, मतलब जो राजस्थान के जो समीप जो मध्य प्रदेश के जो समीप और राजस्थान के जो बॉर्डर पर जो है उनमें कभी प्याज होती है, वो लोग कभी प्याज करते हैं वहाँ से। और बाकी जो सुना है कि नासिक से भी अपने आप प्याज आती है, तो वो कब आती है नासिक की प्याज? नासिक की प्याज आती है अपने अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, लेकिन इस बार नासिक में अधिक वर्षा होने के कारण वहाँ की प्याज सारी नष्ट हो गई है, तो इस बार क्या है वहाँ की प्याज आ नहीं पा रही है। तो नासिक में मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा प्याज वहीं होती है। हाँ, लगभग 35-40% जो प्याज है हिंदुस्तान की वो महाराष्ट्र नासिक में पैदा होती है। तो वहाँ की फसल खराब होने का असर पूरे देश में ही पड़ता है? जी हाँ, पूरे देश में। और यही कारण है कि प्याज के भाव आज 100 रुपये किलो से ऊपर बिक रहे जा रहे हैं। जी हाँ, जी धन्यवाद।